महिला विनीत अरोड़ा जो अपने पालतू श्वान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो जाने के बाद महिला ने बेजुबानों को सहारा देने का प्रण लिया और अपने प्यारे श्वान के नाम से श्वानों के लिए कैस्पर शेल्टर होम के नाम से पिछले कई वर्षों से बेजुबानों को अपने निजी खर्च पर पाल रही है। घायल और बीमार श्वानों से विनीत जी अपने शेल्टर होम में लाकर न सिर्फ उनका इलाज करती हैं बल्कि उन्हें अपने शेल्टर होम में रखती भी हैं। लेकिन इन दिनों विनीत अरोड़ा क्षेत्रीय दबंग से बहुत परेशान है। विनीत अरोड़ा का कहना है कि इस दबंग की वजह से करीब एक साल से उनके श्वान पिंजरे में कैद हैं। दबंग और उनके चौकीदार की वजह से उन्हें श्वानों को कैद में रखना मजबूर होना पड़ता है। अरोड़ा है और पूरा शहर जानता है कि मैं कैस्पर्स होम ट्रस्ट के नाम से संस्था चलाती हूँ, जो कि हम जितने भी ये बेघर पशु होते हैं, जो पैरालाइज हो जाते हैं या जो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, उन सबको मैं यहाँ अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा काम देखते हुए नगर निगम ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया और पशु विभाग ने भी, और मुझे एक ज़मीन ऑफर की गई नगर निगम से, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक स्कूल के पास थी। तो अब चीनी का रोज़ा पे DMG ने एक प्रस्ताव रखा है, वहाँ पे एक डॉग शेल्टर बनेगा जिसकी मैनेजमेंट मुझे दी जाएगी। अब क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया आपको पता है बहुत स्लो होती है, तो इस प्रोसेस में मैं बहुत दिक्कत में हूँ। मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी DM सर से कि जल्दी से जल्दी मुझे ज़मीन वहाँ पर दी जाए मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस विलेज में दबंगों के बीच में फंसी हुई हूँ। ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पर आपने देखा ही होगा ये पूरे गांव में अनऑथराइज कॉलोनीज बनी हुई है। मैंने जब यहाँ पे खरीदा था मकान, ना तो मुझे हाई टेंशन की नॉलेज थी, ना ही मुझे नॉलेज थी कि अनऑथराइज कॉलोनीज हैं ये वाली। अब ऑब्वियसली 4 साल में मुझे नॉलेज आ गई, इसलिए मैं यहाँ पे मकान अब खरीद नहीं रही। अब ये मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि मैं किसी तरीके से तंग आकर परेशान होकर मैं यहाँ पे एक मकान खरीद लूँ। अब मेरे पास पैसा है नहीं, तो अब मेरे कुत्तों को जो यहाँ रहते हैं उनको मारा जा रहा है और मुझे डराया जा रहा है कि मैं, इसलिए मैं यही सरकार से कहूंगी कि प्लीज़ मुझे इन दबंगों वाले एरिया से बचाएं। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो कुत्तों को। जी जी हाँ, वो यहाँ पे एक जो बिल्डर जिससे मैंने मकान ख़रीदा था, वो बहुत बड़ा मतलब यहाँ का दबंग है प्रदीप मंगल करके, वो उसी की इंस्ट्रक्शंस पे ये हो रहा है। क्योंकि आप खुद बताइए कि कभी भी कोई ये चौकीदार या इस तरह का बंदा मुझे इस तरीके से डरा सकता है। उसने क्या किया, ये जो मेरे पैरालाइज कुत्ते जो पिंजरे में बंद हैं उनको डंडों से मारने की कोशिश करी जाली के बीच में से। नुकसान तो उनका कोई नहीं पहुँचा पाया। कोई धमकी दी जा रही है जो? नहीं, मुझे तो ये धमकाया जा रहा है ना, मुझे कहा जा रहा है कि ये पिंजरों में से ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंकते हैं, आप इनको बंद करवाइए। अब इनके डर के मारे मैंने अपने सारे कुत्ते वहाँ पे अंदर बंद कर दिए। आपको मालूम है कुत्ते को खुली जगह भी चाहिए घूमने के लिए, सब मैंने अंदर जेल में डाल दिए क्योंकि अब जगह तो है नहीं मेरे पास, 65 कुत्ते अंदर रहेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।